ड्रग्स सिलिंग मामलें बढ़ला रिया अड़ुआ ड्रग्स सप्लाई मामलें गिरफ हो पारती रिया चक्रवर्ती पचराउचरा आज रिया समन कर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी आज सका एनसीबी एक टीम रिया घर को पचराउचरा कर तेज सका साढ़े दसटा एनसीबी कार्यालय पहुंचे रिया पूर्व रिया भाई सौभिक चक्रवर्ती और सुशांत पूर्वतन मैनेजर सामुएल मिरांडा गिरफ कर उभय सेप्टेम्बर 9 तारीख पर्यंत रिमांडे नहीं एनसीबी रिया डाक सामान सहित मुहांमुही जेरा करे एनसीबी अधिक आलोचना करने मुंबई जोड़ी होती मुंबई प्रतिनिधि अमित राय अमित रिया के लिए मुश्किल बढ़ सकता है क्या क्या ताजा जानकारी है आपके पास बताइए। देखिए रिया कुछ ही देर में एनसीबी दफ्तर जो है निकल सकती है अभी गाड़ी से आज ही उन्हें पेश होना है और अभी मुंबई पुलिस की जो महिला कांस्टेबल नीचे खड़ी थी उनके बिल्डिंग के उन्हें जो है ऊपर अपने घर पे बुलाया गया। देखिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास रिया के लिए बहुत सारे सबूत है उनके पास रिया के खिलाफ जैसे कि पहले उनकी चैट आई थी उसके बाद जब दीपेश ने अभी बयान दिया कि रिया ही ड्रग्स मंगाती थी और दीपेश भी रिया के लिए ड्रग्स लाता था और सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी चलती थी वहीं सैमुअल मिरांडा ने यह भी कहा कि 2019 से लेकर 2020 तक जो है सुशांत के लिए वो ड्रग्स जो है अरेंज करता था रिया के कहने पे जो सितंबर 2019 से फरवरी 2020 तक शौविक ने जो है मिरांडा को सूर्यजीत नाम के एक बंदे का नंबर दिया और सूर्यजीत ने जो है करमजीत से जो है सफर करवाया सैमुअल मिरांडा का और 2500 रुपए पर पैकेट में ड्रग्स जो है वो करमजीत से सैमुअल सुशांत के लिए जो है घर पे लाता था रिया मंगाती थी। उसके बाद से मैं ये खबर आई कि फरवरी 2020 के बाद से जो है शौविक ने जैद और बासित से जो है सैमुअल का संपर्क कराया फिर ड्रग की डीलिंग जो है उनसे शुरू हुई एचडीएफसी के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था 12 ट्रांजेक्शन जो है निकल के सामने आया है जो सुशांत के कार्ड से ड्रग्स की पेमेंट जो है वो की जाती थी और दूसरी सबसे बड़ी बात है शौविक ने खुद अपनी बहन का नाम लिया कि रिया उनसे ड्रग्स मंगाती थी और उनके कहने पर शौविक जो है सैमुअल से कह के बाहर से ड्रग्स की डीलिंग करता था। दूसरी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डायरी मिली है उसमें भी कई सारे ड्रग्स पेडलर का नाम नंबर और जो मोड्स ऑफ पेमेंट है उसकी जानकारी जो है दी गई है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं चैट और इन चीजों की गवाही जो है वो रिया के लिए निश्चित जो है सदर्द बनी हुई है और रिया चक्रवर्ती आज 11 बजे तक जो है एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी। अभी मुंबई पुलिस के महिला कांस्टेबल को ऊपर बुलाया गया शायद कुछ ही देर में जो है रिया चक्रवर्ती निकल सकती है क्योंकि जब समन दिया गया तो दो ऑप्शन दिया गया कि आप खुद हमारे साथ चलिए हम भीड़ को नीचे कंट्रोल कर लेंगे या खुद आप अपनी गाड़ी से आइए तो सेकेंड ऑप्शन उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी से आऊंगा। इस समय आपको बताऊं कि रिया के घर बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी सभी जानकारी के लिए हम प्रतिनिधि अमित राय मुंबई अधिक आलोचना करते हैं।